हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं शिवांगी चौधरी। इस समय सनातन धर्म को लेकर वाद विवाद अक्सर देखने को मिलता है। ऐसे में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर दिए अपने विवादित बयान पर कायम हैं। उनका कहना है कि वे अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे, मैं कानूनी रूप से इसका सामना करूंगा। अंबेडकर और पेरियार ने जो कहा है उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं बोला है। उन्होंने यह बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले पर मद्रास हाईकोर्ट के जज जी जय चंद्रन की टिप्पणी पर कही। उदयनिधि का कहना है कि पार्टी या सरकार में पद उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है, उनके लिए हर चीज से बढ़कर पहले इंसान बनना महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि उदयनिधि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि वे सदियों से सनातन मुद्दे पर बोलते रहे हैं, हम इसका हमेशा विरोध करेंगे। मद्रास हाईकोर्ट के जज जी जय चंद्रन ने कहा कि सत्ता में बैठे व्यक्ति को जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए और उन विचारों को प्रचारित करने से खुद को रोकना चाहिए जो विचारधारा जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। इसके बजाय वे नशीले पदार्थ और दवाओं को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और सामाजिक बुराई के लिए हानिकारक है। न्यायमूर्ति जय चंद्रन ने यह भी कहा कि जिस कार्यक्रम में सनातन धर्म के खिलाफ भाषण दिया गया था उसके आयोजकों के खिलाफ पुलिस द्वारा निष्क्रियता यानी कि इनएक्टिविटी कर्तव्य में लापरवाही के बराबर है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म का विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसे खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि के इस बयान के बाद देश में सियासी पारा हाई हो गया है। भाजपा ने जहां इस बयान की कड़ी आलोचना की, वहीं द्रमुक सरकार के कुछ सहयोगियों ने विवाद में नहीं पड़ने का फैसला किया। हालांकि उदयनिधि अपनी बात पर अड़े रहे और बार बार अपने बयान से पीछे हटने से इनकार करते रहे। उदयनिधि के बयान और उनकी बातों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।